इस इमेज को देखें। जब 1948 में इसराइल का निर्माण हुआ था तब इसराइल के पास ना कोई सेना थी और ना ही कोई हथियार थे। इस कारण इसराइल ने खुफिया ऑपरेशन किया था जिसमें यूरोप के पुराने हथियारों की स्मगलिंग करके उन हथियारों को इसराइल लाया गया। जिस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले यही 9 लोग थे। आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में। अब इस दूसरी इमेज को देखें। यह भी अरब इसराइल के पहले युद्ध के समय की इमेज है जिसमें फिलिस्तीनी लोग जो कई सदियों से इस जमीन पर रहते आए थे वो इस युद्ध के कारण अपने पैलेस्टाइन को छोड़कर दूसरे देशों में पलायन करने लगे। असल में इस युद्ध के चलते कुछ 8 से 9 लाख फिलिस्तीनी लोग इसराइल छोड़कर दूसरे देशों में चले गए थे जिनमें से एक परिवार की इमेज है। आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में भी। तो 1948 में जो अरब देशों का और इसराइल का युद्ध हुआ था जिसमें एक तरफ इसराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था तो दूसरी ओर अरब देश अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे थे। जिस युद्ध के दौरान लाखों फिलिस्तीनी लोग पैलेस्टाइन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए तो सामने लाखों यहूदी जो दूसरे देशों में रहते थे वे इसराइल में आ गए थे। यानी अस्तित्व या आत्मसम्मान के युद्ध से दोनों ओर की जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी जिस बारे में आमतौर पर बहुत ही कम बात की जाती है। तो आज की इस वीडियो में उस समय की ओरिजिनल तस्वीरों और मैप के जरिए मैं आपको अरब और इसराइल के बीच हुए पहले युद्ध का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि यह युद्ध कब हुआ था, इसके क्या क्या अलग अलग कारण थे, इस युद्ध का क्या परिणाम मिला, इस युद्ध से इसराइल को कितना फायदा हुआ और अरब देशों को कितना नुकसान हुआ, इस युद्ध में फिलिस्तीनी लोगों की क्या हालत हुई थी, इस युद्ध से अरब देशों में रहने वाले यहूदी लोगों की क्या हालत हुई थी और इन्हें किन किन ऑपरेशन के जरिए इसराइल लाया गया था, फिर इसराइल को हथियार कहाँ से मिले, इसराइल की सेना कैसे बनी थी, इन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। अब इससे पहले की वीडियो में इसराइल का निर्माण कैसे हुआ था उसका पूरा इतिहास हमने विस्तार से जाना कि 3000 साल पहले इस भाग पर यहूदी धर्म की स्थापना हुई और किंगडम ऑफ इसराइल बना। फिर बार बार रोमन हमलों के कारण यहाँ के यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए, लेकिन जहां पर भी ये यहूदी लोग गए वहां उन पर अत्याचार हो रहे थे। इस कारण 1850 के बाद जायोनिस्ट संस्था का निर्माण किया यहूदी लोगों ने और संकल्प लिया कि हम यहूदी लोगों का एक अलग देश बनाएंगे, जिसके लिए इस संस्था ने पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की मदद ली और ब्रिटेन ने आलिया यानी दुनिया भर के लाखों यहूदी लोगों को पैलेस्टाइन में आने दिया। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन का बंटवारा करके ये सफेद कलर वाला भाग इसराइल को दिया और ये ग्रीन कलर वाला भाग पैलेस्टाइन को दिया और इस ऐतिहासिक शहर यरूशलेम को यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में रखा गया। तो इस तरह से 14 मई 1948 के दिन इसराइल का निर्माण हुआ था जिस बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से जाना था। तो इस दौरान फिलिस्तीनी लोगों ने कई बार कहा कि हजारों सालों से यहूदी लोगों पर अत्याचार करने वाले यूरोप के लोग थे और अब अगर आप यहूदी लोगों का भला करना चाहते हो तो इन्हें यूरोप में एक अलग देश बना कर दो, यहाँ अरब में नहीं। लेकिन इसके बावजूद अरब के पैलेस्टाइन देश में इसराइल का निर्माण हुआ जो पैलेस्टाइन के लोगों के साथ अरब देशों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस कारण जिस दिन इसराइल का निर्माण हुआ 14 मई 1948 के दिन उसी दिन दोपहर के बाद इस इजिप्ट, इस जॉर्डन, ये सीरिया और ये इराक जो कि सभी अरब देश थे इन सब ने मिलकर एक नवजात देश इसराइल पर आक्रमण किया चारों ओर से। इसमें पर्दे के पीछे ये सऊदी अरब, ये अमन, ये लेबनान और ये सूडान भी इन अरब देशों के साथ मिले हुए थे। यानी एक तरह से एक साथ 8 देशों ने इस छोटे से इसराइल पर हमला कर दिया। अब इसराइल यानी दुनिया में यहूदी लोगों का एकमात्र देश जो कई सदियों की प्रताड़ना के बाद यहूदी लोगों को वापस मिला था तो अब इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। इस कारण इसराइल की सभी यहूदी बस्तियों में इस सफेद कलर के एरिया में जो यहूदी लोग रहते थे उन बस्तियों में ऐलान कर दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी बस्तियों को छोड़कर भागेंगे नहीं और जी जान से अरब सेना का मुकाबला करेंगे। इस कारण यहूदी सेना का पहला मिशन अरब सेनाओं के खिलाफ डटे रहना और अरब सेना को आगे बढ़ने से रोकना था। लेकिन अभी तक इसराइल के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। उनके जो सुरक्षा संगठन थे हगाना, इरगुन और लेही, इन्होंने शुरू में अरब सेना का मुकाबला किया लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी।
इस कारण शुरू में अरब सेना आगे भी बढ़ी और कई यहूदी लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, क्योंकि इसराइल के पास ना कोई सेना थी, ना कोई वायुसेना थी और ना ही कोई नौसेना थी। ऐसे में दुनिया को लग रहा था कि एक बार फिर से इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। अब ब्रिटेन, जिसका इस इसराइल और पैलेस्टाइन वाले भाग पर कब्जा था अभी तक, वो 15 मई के दिन पैलेस्टाइन को उनके हाल पर छोड़कर निकल गया। इस कारण अब दुनिया भर के यहूदी लोगों को इसराइल में आने से रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि 1939 में ब्रिटेन ने व्हाइट पेपर निकाला था जिसके मुताबिक यहूदी लोगों का इसराइल में पलायन यानी आलिया पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन 1948 में ब्रिटेन के जाने के बाद दुनिया भर के यहूदी फिर से इसराइल में आने लगे, और जिनमें से जो यहूदी दूसरे विश्व युद्ध में लड़े थे वो लोग अपने साथ हथियार भी ला रहे थे, और ये सब इसराइल के हगाना संगठन में शामिल होने लगे। यानी ये हगाना संगठन अचानक एक सेना के रूप में तब्दील होने लगा, और ऊपर से युद्ध शुरू होने के 11 दिन बाद यानी 26 मई 1948 के दिन इसराइल ने IDF की स्थापना की। यह उसकी इमेज है जिसमें सभी यहूदी सुरक्षा संगठनों को जैसे हगाना, इर्गुन और लही को मिलाकर इसराइल की सेना का निर्माण किया गया, और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि इसराइल की महिलाएं भी शामिल हुई। अब यहां पर आपके मन में सवाल आया होगा कि इन यहूदी लोगों को जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए थे, क्या उन्हें युद्ध लड़ना आता भी था या नहीं, और अगर आता था तो किसने सिखाया था। असल में साल 1882 से यहूदी लोग इसराइल में आना शुरू हो गए थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी साल 1945 के बाद लाखों की संख्या में यहूदी लोग जब इसराइल में प्रवेश कर रहे थे, तब पैलेस्टाइन के अरब लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिए थे। इस कारण डेविड बेन गुरियन या उनकी इमेज है, ये उस समय के प्रमुख नेता थे यहूदी लोगों के, और इन्होंने साल 1946 में एक आदेश पारित किया कि यहाँ आने वाले हर एक यहूदी पुरुष और महिलाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यानी जो यहूदी इस जमीन पर आ रहे थे उन्हें सैन्य शिक्षा लेना कंपलसरी था। तो जब तक में युद्ध शुरू हुआ 1948 में, तब तक में हजारों यहूदी पुरुष और महिलाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग मिल चुकी थी, जो 26 मई के दिन इसराइल में IDF की स्थापना के बाद इसराइल की सेना में शामिल हो गया। इसके अलावा जब 1946 में यहूदी लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब हथियारों के बिना मिलिट्री ट्रेनिंग देना असंभव था। इस कारण यहूदी अमीर लोगों ने ऑपरेशन बालक को अंजाम दिया था, जिसके तहत दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो हथियार, जिसमें एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, मिलिट्री टैंक, मशीन गन और बम जैसे कई हथियार जो यूरोप में बस गए थे, उन सबको इसराइल ने कम कीमत में या अधिक कीमत में खरीदना शुरू किया, और ऑपरेशन बालक के जरिए इन हथियारों का स्मगलिंग करके इसराइल लाया गया। और ये ऑपरेशन बालक 3 महीने तक चला था, जिसे अंजाम देने वाले गोर्डन लेवेट थे, यह उनकी इमेज है। तो इन 3 महीनों के दौरान लेवेट टनों हथियार, हजारों गोला बारूद, सैकड़ों विमान और कई टैंक हवाई मार्ग से इसराइल लाए थे, जिसे सफल बनाने में 9 यहूदी लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसके बाद यहूदी लोगों को इन हथियारों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई 1946 में। तभी तो 1948 में इसराइल अपनी खुद की सेना बना पाया IDF, जिसे अब अरब सेना से लड़ना था। अब जिन अरब देशों ने इसराइल पर हमला किया था उसमें सबसे बड़ी सेना इस इजिप्ट की थी, जिसने यहाँ दक्षिण से इसराइल पर हमला किया था। इस इमेज में आप देख सकते हैं इजिप्ट की सेना है जो आगे बढ़ते हुए इसराइल की राजधानी तेल अवीव की तरफ जा रही थी। तब शुरू में इन्होंने इस नेगेव रेगिस्तान की कई यहूदी बस्तियों को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन इजिप्ट की सेना के लिए तेल अवीव को कंट्रोल में करना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसराइली सेना जवाबी हमला कर रही थी। इसके बाद 29 मई से 3 जून तक इसराइली वायुसेना जो अपना पहला युद्ध लड़ रही थी, उसने इजिप्ट के सेना का जो काफिला था उस पर 70 किलो के कई बम गिराए, और इस हमलों के कारण इजिप्ट के सेना का काफिला तितर बितर हो गया। और जब तक मैं ये फिर से संगठित हो, उससे पहले ही इजरायली सेना ने दोबारा हवाई हमला कर दिया, जिसके बाद इजिप्ट की सेना अब हमला करने की बजाय अपनी रक्षा करने में लग गई कि कहीं तीसरी बार हवाई हमला ना हो जाए। यानी इसराइल ने इस इजिप्ट की सेना को काफी कमजोर कर दिया था। अब इस इमेज को देखें, यह लेटरन का किला है जो इस मैप में यहां पर है यरूशलेम के पास। तो इस किले को लेकर इजरायली सेना और जॉर्डन की सेना 24 मई से 18 जुलाई तक यानी लगभग 2 महीने तक लड़ी, जिसे बैटल ऑफ लेटरन कहते हैं, जिसमें इजरायली सेना को काफी हानि उठानी पड़ी।
और इनके 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए और आखिर में जॉर्डन की सेना ने इस किले पर कब्जा भी कर लिया। अब यहाँ पर जो प्राचीन यरूशलेम शहर है वो ना अरब का था और ना ही इसराइल का, यह शहर यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में था। यह उस शहर का मैप है जिसमें इस ब्लू कलर वाले भाग में यहूदी लोग रहते थे जो वेस्ट यरूशलेम है, और इस ग्रीन कलर वाले भाग में फिलिस्तीनी लोग रहते थे जो ईस्ट यरूशलेम है। अब वेस्ट यरूशलेम में यहूदी लोगों के लिए खाना पीना, दवाइयाँ और जरूरी चीजें इसराइल के इस भाग से आती थी, लेकिन जॉर्डन की सेना ने यहाँ लेटरन किले को कब्जा आने के बाद यहूदी लोगों की जरूरी आपूर्ति को बंद करवा दिया, जिसके बाद एक तरफ वेस्ट यरूशलेम में भोजन और दवाइयों की भारी कमी हो गई तो दूसरी ओर अरब सेना ने वेस्ट यरूशलेम पर हजारों गोले दागे, जिसके बाद 19 मई से बैटल ऑफ यरूशलेम शुरू हुई। लेकिन यहाँ से भी अरब सेना ने इजरायली सेना को भगा दिया, जिसके बाद वेस्ट यरूशलेम में रहने वाले सभी यहूदियों को भी यहाँ से भागना पड़ा। कईयों की मौत हो गई तो कईयों को हिरासत में लिया गया, यानी इसमें भी इसराइल को हार का सामना करना पड़ा और ऊपर से यरूशलेम को भी इन्होंने गवा दिया। फिर 25 मई के दिन यहाँ ऊपर की ओर से इराक की सेना इस जेनिन से होते हुए इस तुलकर्म तक पहुंच गई, लेकिन इजरायली सेना के जवाबी हमलों के बाद तुलकर्म तो इसराइल ने आजाद करा लिया, लेकिन जेनिन को इसराइल आजाद नहीं करा पाया। इसे बैटल ऑफ जेनिन कहते हैं। और इस ऊपर के भाग पर सीरिया की सेना ने भी कई हमले किए, जिसमें कभी सीरिया तो कभी इसराइल जीतता था। तो कुछ इस तरह से पहले अरब इसराइल युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अब युद्ध के शुरुआती दिनों में इसराइल के पास लड़ाकू विमानों की भारी कमी थी, फिर भी इसराइल की वायुसेना ने अरब ठिकानों पर कई छोटे मोटे हमले किए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस कारण इसके बाद इसराइल ने चेकोस्लोवाकिया से कई लड़ाकू विमान मंगाए और इसराइली वायुसेना में लड़ने के लिए कई पायलटों को विदेशों से भाड़े पर बुलाया गया, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के कई दिग्गज पायलट भी शामिल थे। इसके अलावा युद्ध की शुरुआत में इजरायली नौसेना का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि जिस देश का निर्माण जिस दिन हुआ हो और उसी दिन उसे युद्ध में उतरना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि उस देश की क्या हालत हुई होगी। लेकिन फिर भी इजरायल धीरे धीरे मैनेज कर रहा था। पहले इन्होंने सेना का निर्माण किया, फिर वायुसेना का निर्माण किया और अब बारी थी नौसेना की। तो 1948 से पहले ब्रिटेन आलिया यानी यहूदी लोगों को इजरायल लाने के लिए जिन तीन जहाजों का इस्तेमाल करता था वो तीनों जहाज अब इस हाइफा बंदरगाह पर बंधे हुए थे, लेकिन ब्रिटेन के जाने के बाद इसराइल ने इन जहाजों की मरम्मत करवाकर इन्हें बम और हथियारों से लैस किया, जिसके बाद ये हाइफा इसराइली नौसेना का मुख्य अड्डा बन गया और दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले यहूदी नौसैनिकों ने इसकी बागडोर संभाली। यानी युद्ध के 2-3 महीनों बाद अब इसराइल अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना बनाने में सफल हो गया था। खैर, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, जिसका काम दुनिया में शांति बनाए रखना है। तो यूनाइटेड नेशंस ने इस युद्ध में पहला युद्ध विराम करवाया 11 जून के दिन, ताकि कोई शांति समझौता हो पाए दोनों के बीच, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल करने पर, हथियारों की आयात करने पर, सेनाओं की संख्या बढ़ाने जैसे कई चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन इस युद्ध विराम के दौरान इसराइल अपने लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर अपनी सेना का काफी विस्तार करने लगा। इसराइल ने हथियारों की बड़े पैमाने पर आयात करके अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश भी की, क्योंकि इसराइल की सेना ने युद्ध विराम के दौरान लगभग 65,000 लोगों को सेना में भर्ती करके अपने सैन्य शक्ति को डबल कर दिया। और सामने अरब सेना भी कई नए नए सैन्य सुधार करने लगी जो युद्ध विराम की शर्तों का सीधा उल्लंघन था, यानी किसी भी पक्ष ने युद्ध विराम का सम्मान नहीं किया। दूसरी ओर यूनाइटेड नेशंस ने कई प्रस्ताव रखे दोनों पक्षों के सामने, लेकिन दोनों पक्षों ने यूनाइटेड नेशंस के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। और लगभग 28 दिन बाद यानी 8 जुलाई के दिन पहले युद्ध विराम को खत्म कर दिया गया और फिर से युद्ध शुरू हो गया, यानी इस युद्ध का दूसरा चरण। असल में 8 जुलाई के दिन इजिप्ट की वायुसेना ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला करके युद्ध को फिर से शुरू किया, लेकिन इसराइल ने जवाबी हमला करके इजिप्ट को तेल अवीव से भगा दिया। और अभी तक इस तेल अवीव और इस गाजा के कुछ कुछ बस्तियों पर इजिप्ट का जो कब्जा था उन्हें भी इसराइल ने आजाद करा लिया, जिसके बाद इस नीचे वाला दक्षिण भाग में यानी इस नेगेव रेगिस्तान वाले इलाके में इजरायली सेना ने कई बार हमले किए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फिलिस्तीनी लोगों के गांव थे, जिस दौरान इजरायली सेना ने यहाँ के फिलिस्तीनी लोगों को भगा दिया और उनके घरों को भी नष्ट कर दिया। इस इमेज में आप देख सकते हैं। फिर 12 जुलाई को इजिप्ट ने दूसरा हमला किया
यहाँ के फिलिस्तीनी लोगों को बचाने के लिए। लेकिन इजरायली सेना ने इजिप्ट के सैकड़ों सैनिकों को मारकर इजिप्ट को फिर से यहाँ से भगा दिया, जिसके बाद 14 जुलाई के दिन इजिप्ट ने तीसरी बार हमला किया, लेकिन इस बार भी उनके सैकड़ों सैनिक शहीद हो गया। इस कारण इस लड़ाई के बाद इजिप्ट को एहसास हो गया कि अब इजरायल को मिटाना संभव नहीं है। इस कारण इसके बाद इजिप्ट ने एक भी हमला नहीं किया इजरायल पर। फिर इसके बाद ये रामल्ला शहर, ये शहर पैलेस्टाइन का था, लेकिन इस बार इजरायल ने इस पर हमला करके सैकड़ों अरब सैनिकों को यहाँ मार दिया और इस शहर को इजरायल ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर यहाँ से इजरायल ने इस लिड्डा शहर पर भी कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद इन दोनों शहरों से सभी फिलिस्तीनी लोगों को भगा दिया गया, जिसके पास कोई भी वाहन नहीं थे भागने के लिए। फिर भी इजरायली सेना ने इन लोगों को निष्कासित करके भगा दिया, जिस दौरान कई फिलिस्तीनी लोग लंबी यात्रा और गर्म धूप के कारण मारे गए थे। तो रामल्ला और लिड्डा को कब्जाने के बाद इजरायली सेना इस तरफ आगे बढ़ते हुए लेट्रन किले की तरफ आई, जिस पर पहले अरब सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार इस किले को भी इजरायल ने आजाद करा लिया। फिर यहाँ से इजरायली सेना आगे बढ़ते हुए इस यरूशलेम शहर की तरफ रवाना हुई, जिस दौरान इजरायल की एक बड़ी सेना उत्तर की ओर हमला करने गई इस गैलिली वाले भाग पर, जो बकायदा पैलेस्टाइन का हिस्सा था। तो 16 जुलाई के दिन इजरायली सेना ने पहले इस नजरत शहर को कब्जा लिया और इसके अगले दो दिनों में गैलिली भाग का आधा हिस्सा इजरायल के कब्जे में आ गया। यानी इस बार इजरायल ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए थे और साथ में पैलेस्टाइन के कई हिस्सों को भी इजरायल ने कब्जा लिया था। लेकिन इस तरफ यरूशलेम की लड़ाई में कोई नतीजा निकले, इससे पहले ही यूनाइटेड नेशंस ने 18 जुलाई के दिन दूसरा युद्ध विराम घोषित कर दिया, ताकि कोई शांति समझौता हो और लड़ाई खत्म हो। यानी युद्ध के पहले चरण में अरब सेना हमले कर रही थी और इजरायल अपनी रक्षा कर रहा था, लेकिन दूसरे चरण में इजरायली सेना हमले कर रही थी और इस बार अरब सेना अपनी रक्षा और अपने इलाकों को बचा रही थी। और तभी दूसरा युद्ध विराम हो गया 18 जुलाई के दिन, जिस दौरान यूनाइटेड नेशंस ने दोनों पक्षों के सामने प्रस्ताव रखा कि इस नेगेव रेगिस्तान को विभाजित करके ये वाला हिस्सा जॉर्डन को दिया जाए और इस तरफ वाला इजिप्ट को दिया जाए और ऊपर ये गैलिली वाला हिस्सा इजराइल को दिया जाए और यरूशलेम का कंट्रोल यूनाइटेड नेशंस के पास ही रखा जाए। और युद्ध के बाद जो फिलिस्तीनी पलायन कर गए थे उन सभी फिलिस्तीनी लोगों को वापस बुलाया जाए और उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन इस बार भी दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया सितंबर में। अब इस मैप को देखें, यहाँ लाल कलर में फिलिस्तीनी लोगों की बड़ी बड़ी बस्तियां थी, जिसे अरब सेना सुरक्षा दे रही थी इजराइल से, और अरब सेना युद्ध विराम के दौरान भी बार बार इजरायली यातायात पर गोलीबारी कर रही थी। तो तंग आकर इजरायल ने हवाई हमला और जमीनी हमला करके यहाँ की अरब सुरक्षा को तोड़ दिया, जिसके बाद यहाँ की तीन फिलिस्तीनी बस्तियों ने इजरायल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिस दौरान ज्यादातर फिलिस्तीनी लोगों को जबरदस्ती यहाँ से भगा दिया इजरायल ने। यानी धीरे धीरे फिलिस्तीनी लोगों का पलायन बढ़ता जा रहा था। खैर, तो दूसरे युद्ध विराम में भी कोई शांति समझौता हो नहीं पाया और कुछ तीन महीनों बाद यानी 15 अक्टूबर के दिन फिर से युद्ध शुरू हो गया, जो इस युद्ध का तीसरा और आखिरी चरण था। अब यह युद्ध फिर से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उत्तर में इस गैलिली वाले भाग पर जो यहूदी लोगों की बस्तियां थी उसे अरब सेना बार बार परेशान कर रही थी और यहां पर सैकड़ों इजरायली सैनिक और यहूदी लोगों को मार दिया गया था। इस कारण 24 अक्टूबर के दिन इजरायल ने ऑपरेशन हिराम शुरू किया, जिसमें इजरायली सेना ने अरब सेना को भगाते भगाते लेबनान में पहुंचा दिया और इस बार इस पूरे गैलिली वाले भाग पर इजरायल ने कब्जा कर लिया। ये पूरा ऑपरेशन कुछ 3 दिन तक चला था, जिस दौरान अरब सेना के 400 सैनिक शहीद हो गया और कुछ 500 अरब सैनिकों को इजरायल ने बंदी बना लिया। इसके अलावा इस गैलिली में रहने वाले अनुमानित 50,000 फिलिस्तीनी लोग भी लेबनान में भाग गए, जिसमें कुछ अपने आप भागे और कुछ को इजरायली सेना ने जबरदस्ती भगा दिया। लेकिन यहाँ पर इजरायल ने उन फिलिस्तीनी गांवों को रहने दिया जो इस गैलिली के भाग पर शांति से रह रहे थे और इजरायल के नागरिक भी बन गए थे। फिर अगले महीने यानी नवंबर 1948 में इजरायल ने पूरी अरब सेना को इस गैलिली से भगाकर इस लेबनान में 8 किलोमीटर दूर तक भेज दिया, जिस दौरान इजरायली सेना ने इस लेबनान के भी 13 गांवों पर कब्जा कर लिया था। यानी इस पूरे गैलिली भाग पर जो कायदे से पैलेस्टाइन का हिस्सा था बंटवारे के समय पर, उस पर अब इजरायल ने कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद अब बारी थी इस दक्षिण इजरायल को आजाद कराने की, यानी इस नेगेव रेगिस्तान वाले भाग की।
तो अक्टूबर में ही इजरायली सेना ने ऑपरेशन योआव शुरू किया, जिसका लक्ष्य पूरे नेगेव को जीतना था, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने इससे पहले प्रस्ताव रखा था कि नेगेव को विभाजित करके आधा जॉर्डन को और आधा इजिप्ट को दे दिया जाए, जो इसराइल के लिए एक चिंता का विषय था। इस कारण इसराइल जल्द से जल्द इस पूरे नेगेव को आजाद कराना चाहता था। तो ऑपरेशन योआव के दौरान हुए हमलों से इजिप्ट की स्थिति कमजोर होती चली गई, क्योंकि इसराइल ने पहले इजिप्ट की सेना को चकनाचूर किया, फिर इजिप्ट की नौसेना पर बमबारी करके इन्हें भी समुद्र से दूर खदेड़ दिया। फिर 22 दिसंबर के दिन इसराइल ने ऑपरेशन होरेव शुरू किया, जिसका लक्ष्य इस नेगेव से पूरी इजिप्ट सेना को खदेड़ना था और इजिप्ट को युद्ध विराम के लिए मजबूर करना था। तो 5 दिनों की लड़ाई के बाद इसराइल ने नेगेव के इस भाग को आजाद करा लिया और इजिप्ट की सेना को भी यहां से भगा दिया। लेकिन इसराइली सेना यहां पर नहीं रुकी। इसराइली सेना ने यहां से इजिप्ट के मुख्य भाग इस सिनाई प्रायद्वीप में घुस गई और इसके कुछ भागों पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव के कारण 2 जनवरी 1949 के दिन इसराइली सेना इस सिनाई प्रायद्वीप से वापस आकर इस गाजा पट्टी की सीमा पर तैनात हो गई। इस कारण इसके बाद 7 जनवरी के दिन इजिप्ट इसराइल के साथ युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए सहमत हो गया, जिसके बाद इसराइली सेना ने इस गाजा पट्टी को भी वापस इजिप्ट को दे दिया। यानी नेगेव का इस तरफ का पूरा भाग इसराइल ने आजाद करा लिया इस गाजा पट्टी को छोड़कर, लेकिन इस तरफ वाला भाग अभी भी आजाद कराना बाकी था, जिस पर जॉर्डन का कब्जा था। तो 5 मार्च के दिन ऑपरेशन उदा शुरू किया गया और 10 मार्च तक में इजरायली सेना ने इस दक्षिणी नेगेव को भी आजाद करा लिया। और यहाँ इलियट में इजरायली सेना ने अपना झंडा भी लहरा दिया, यह उसकी इमेज है। और यहाँ पर झंडे को लहराने की इसी घटना को ही पहले अरब इजरायल युद्ध का अंत माना जाता है। तो इस तरह से इसराइल ने जो पहले खोया था वो तो वापस पा लिया, लेकिन जो उनका नहीं था उसे भी थोड़ा बहुत अपने अधीन कर लिया। तो अब बात करते हैं इस युद्ध के परिणाम के, यानी आफ्टरमैथ के। तो 1949 में एक युद्ध विराम समझौता हुआ, जिसे 1949 आर्मिस्टिक एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो 23 फरवरी के दिन इसराइल ने इस लेबनन के साथ शांति समझौता किया, फिर 24 फरवरी के दिन इजिप्ट के साथ शांति समझौता हुआ, फिर 3 अप्रैल को इस जॉर्डन के साथ और 20 जुलाई को सीरिया के साथ इसराइल ने शांति समझौता करके इस युद्ध को खत्म किया। अब इस मैप को देखें। युद्ध से पहले यह ब्लू कलर वाला भाग इसराइल का था और यह पिंक और ग्रीन कलर वाला भाग पैलेस्टाइन का था। लेकिन युद्ध के दौरान इसराइल ने पैलेस्टाइन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसमें जो पिंक कलर वाला एरिया है वो पूरा इसराइल ने कब्जा लिया पैलेस्टाइन से। इस कारण इस युद्ध के बाद जिन एरिया पर जिनका कब्जा था वो एरिया उसे ही दिया गया इस एग्रीमेंट के तहत, जिसे युद्ध विराम रेखा यानी ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत इस गाजा पट्टी का कंट्रोल इजिप्ट को दिया गया और इस वेस्ट बैंक का कंट्रोल जॉर्डन को दिया गया। और ये यरूशलेम तो यूनाइटेड नेशंस के अधीन था और बाकी पूरा एरिया इसराइल को मिल गया था। तो अब बात करते हैं इस युद्ध के दौरान कितने सैनिक और कितनी आम जनता मारी गई। तो इस युद्ध में इसराइल ने अपने 6,373 लोगों को खोया, जो उस समय उनकी आबादी का लगभग 1% था, जिसमें लगभग 4,000 सैनिक थे और बाकी आम जनता, जिसमें से लगभग 2,000 यहूदी लोग हिटलर के होलोकॉस्ट से बचकर आए थे, वो भी इस युद्ध में मारे गए। दूसरी ओर अरब सेना में मरने वाले लोगों की संख्या एक अनुमान के मुताबिक 7,000 से लेकर 13,000 है, यानी इसराइल से लगभग डबल। असल में अरब देशों के पास इसके कोई सटीक आंकड़े नहीं है कि इन्होंने अपने कितने सैनिक और कितने लोग खोए। फिर बात करते हैं इस युद्ध से पैलेस्टाइन और उनके लोगों को कितना नुकसान हुआ। तो 1948 के अरब इसराइल युद्ध के दौरान लगभग 7,50,000 के आसपास फिलिस्तीनी लोग अरब देशों में या तो भाग गए या उन्हें जबरन भगाया गया। और फिलिस्तीनी लोगों के इस विस्थापन को नकबा के नाम से जाना जाता है। और आज भी इतने सालों बाद भी इन फिलिस्तीनी लोगों की हालत वैसे के वैसे ही है जैसे इस युद्ध के बाद हुई थी। असल में 1946 में यानी पैलेस्टाइन के विभाजन से पहले पैलेस्टाइन में फिलिस्तीनी लोगों की आबादी 11,43,326 थी, लेकिन 1948 में युद्ध के बाद फिलिस्तीनी पलायन के कारण इनकी आबादी इसराइल में लगभग 1,54,000 ही बची थी, जो इसराइल में रह गए थे और इसराइल के नागरिक बन गए थे। बाकी सब दूसरे अरब देशों में पलायन कर गया, जहां पर ये लोग शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं।
और ये लोग जिन अरब देशों में शरणार्थी बनकर गए हैं, वो अरब देश भी इन लोगों को अपने देश के नागरिक बनाने से इनकार करते हैं, क्योंकि ये अरब देश चाहते हैं कि इन फिलिस्तीनी लोगों को वापस इसराइल में रहने की अनुमति दी जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। इस कारण आज फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संख्या इन सभी अरब देशों में मिलाकर 50 लाख के आसपास हो गई है, जो इसराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के बाहर रहते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं जितने ये लाल कलर के डॉट्स हैं, वो सभी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कैंप हैं, जो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब और इजिप्ट में बने हुए हैं। इस कारण तो फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनकी वापसी का मुद्दा आज इसराइल और अरब देशों का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और आखिर में बात कर लेते हैं आलिया यानी बाहरी यहूदी लोगों का इसराइल में जो पलायन हुआ था इस युद्ध के दौरान उसकी। तो मई 1948 से 1951 के अंत तक यानी 3 सालों में कुछ 7 लाख नए यहूदी इसराइल में आए थे, जिसके बाद इसराइल में यहूदी आबादी लगभग डबल हो गई थी। अब इन 7 लाख में से 3 लाख यहूदी लोग इन अरब देशों से और 4 लाख यहूदी यहाँ यूरोप से आए थे। और यूरोप से आने वाले यहूदी लोगों को उतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी अरब देशों के यहूदी लोगों को इसराइल में आने में मुश्किल हुई थी। असल में अरब देशों में रहने वाले यहूदी लोगों को इसराइल लाने के लिए इसराइल ने एक ऑपरेशन किया था, जिसका नाम ऑपरेशन मैजिक कारपेट था। यह उस ऑपरेशन की एक ऐतिहासिक इमेज है। ये इस यमन के यहूदी लोग थे। असल में इस ऑपरेशन के तहत 49,000 यमन के यहूदियों को इसराइल लाया गया। ये उसकी एक इमेज है। इस तरह से जहाज भर भर कर और हवाई जहाजों से इनको लाया जा रहा था। इसके अलावा सऊदी अरब से 2,000 यहूदियों को और 1,00,000 से ज्यादा यहूदियों को इस इराक से इसराइल लाया गया था इस दौरान, क्योंकि युद्ध के दौरान कई अरब देश अपने देश के यहूदी लोगों को बंधक बना रहे थे। इस कारण इन यहूदी लोगों को इसराइल में लाना बहुत जरूरी था और इसराइल इन सबको लेकर भी आया। इसके अलावा यूरोप के जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली से 2.5 लाख यहूदी और रोमानिया और पोलैंड से 1,00,000 से ज्यादा यहूदी इसराइल आए थे। और इस आलिया का यह सिलसिला आगे भी जारी रहता है। तो कुछ इस तरह से अरब देशों का और इसराइल का पहला युद्ध खत्म हुआ था। लेकिन इस युद्ध के बाद भी इसराइल में शांति की स्थापना नहीं हो पाई, क्योंकि इसके बाद इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद शुरू हो गया। तो अगली वीडियो में हम इसराइल और फिलिस्तीनी विवाद का पूरा इतिहास जानेंगे। तो ये इतिहास था पहले अरब इसराइल युद्ध का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।